इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर इल्म को लेकर बुजुर्गों को बयान करते हुए देखा जाता है कि हमारे ज़माने में ऐसा था और तुम क्या हो, हम पैदल स्कूल जाते थे इल्म सीखने के लिए, हमने ये किया और वो किया। वक्त गुजरता गया और उस्ताद और तालिब इल्म का रिश्ता भी पहले की तरह नहीं रहा। हाल ही में हाई स्कूल के स्कूली तलबाओं ने अपने उस्ताद के सर पर बकेट रखकर, यानी कि प्लास्टिक की बकेट रखकर मजाक बनाया और मोबाइल फ़ोन के जरिए वीडियो भी बनाकर उसे वायरल कर दिया, जिससे माशरे के बच्चों में गिरते अखलाकियात उस्तादों को लेकर जिस कदर पहले इज्जत हुआ करती थी, अब किस मियार पर अखलाकी गिरावट देख सकते हैं। इसकी मिसाल इस वाक्य के तौर पर भी देखा जा सकता है। प्रकाश बोगार नामी हिंदी टीचर के सर पर प्लास्टिक की बकेट रखकर वीडियो बनाया गया और इस बात को महकमा तालीम ने भी संजीदगी से लेते हुए शरारती तलबाओं पर कार्रवाई की मांग की है। प्रकाश बोगार एक नरम मिजाज उस्ताद हैं जो बड़े ही अदब के साथ पेश आते हैं, लेकिन इनके इस अच्छे अखलाक का गलत फायदा उठाते हुए स्कूल में पढ़ने वाले तलबाओं ने अपने उस्ताद के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देकर वीडियो को वायरल किया, जिस पर एतराजात दर्ज किए जा रहे हैं। वाकया नल्लूर गांव का है। इस मामले की चर्चा तो हो रही है पर इसके साथ तलबाओं के अखलाकी गिरावट पर भी तबसरे की जा रहे हैं। स्कूल में सेलफोन्स के जरिए अपना वक्त गुजारना और पढ़ाई में तवज्जो न देने की फरियाद अक्सर देखी जाती है, जिसे माशरे में फिक्र का इजहार भी किया जाता रहा है। आए दिन मोबाइल के जरिए कुछ तो प्रैंक कर वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए वायरल करते देखा जा रहा है। लड़के लड़कियां अपने हुदूद को पार कर बेहयाई का मुजाहरा करते देखा जा रहा है। अब इसे किससे जिम्मेदार ठहराया जाए, क्या वालिदैन के छूट या फिर स्कूल महकमाओं का गैर जिम्मेदाराना रवैया? एक तरफ कुछ लोग स्कूली असातिज़ाओं को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करते देखा जा रहा है, तो वही स्कूल इंतजामिया वालिदैन को जिम्मेदार ठहरा रही है। आखिर ऐसे तलबाओं पर स्कूलों में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कोरोना लॉकडाउन के बाद स्कूल इंतजामिया भी पढ़ाई से पहले फीस को लेकर हाशिए पर नजर आ रही है। वही वालिदैन भी कारोबार बंद रहने की वजह से फीस अदा करने में दिक्कत पेश आने की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या वालिदैन की परेशानियों का एहसास बच्चों में है? बच्चों में पढ़ने का रुझान भी घटता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना के बाद आज़ादी मिल चुकी है, दूसरी ओर लॉकडाउन में घरों में बैठकर मोबाइल से चिपके हुए नजर आ रहे हैं और इन्हीं मोबाइल से मोहब्बत और बेजान फिल्मों वीडियो गेम्स ने स्कूली बच्चों का बेड़ा गर्क करते हुए देखा जा रहा है। वैसे भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। उस्तादों की जो कदर इज्जत हुआ करती थी, यकीनन महज अब इसे याद ही किया जा सकता है और उस्तादों में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। जबकि जिन बच्चों को ये पढ़ाते हैं यही तो माशरे का मुल्क का मुस्तकबिल होता है, लेकिन तगड़ी तनख्वाह लेने के बावजूद अपना हक निभाने से कासीर नजर आते। ऐसा नहीं कि उस्ताद के सर पर बकेट रख कर मजाक किया वीडियो पहली बार बनाया गया, बारह स्कूलों में ऐसी वारदातें देखी जाती है। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा पढ़ाई से लेकर तमाम मामलों को ही नजरअंदाज कर पहली तारीख का इंतजार करते रहते हैं, तो प्राइवेट स्कूलों के महज फीस और तरह तरह के प्रोजेक्ट के जरिए रुपयों की मांग करने का इल्जाम बारह वालिदैन की जानिब से लगाया जाता है। वही स्कूल जाकर इल्म हासिल करने के बजाय महज हाई स्कूल के बच्चे, अक्सर बता रहा हूँ कि सिगरेट और गुटखा खाने का शौक इनका बढ़ता जा रहा है। चोरी छिपे स्कूलों से बाहर निकलकर गार्डनों और दिगर तफरी की जगहों पर वक्त गुजारते स्कूली बच्चों को देखा जाता है। बच्चे शाम घर लौटते हैं, स्कूल इंतजामिया एतराजात दर्ज करती है तो वालिदैन उल्टा स्कूल इंतजामिया को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। बाज वक्त स्कूलों में असातिज़ाओं की गिरोबंदी और आपसी इख्तलाफात भी देखे जाते हैं, जिससे स्कूल की पढ़ाई स्कूल के इल्मी मियार पर असर होता है। तमाम मामलों के मद्देनजर अगर उर्दू स्कूलों का जायजा लिया जाए तो यहाँ पर भी तस्वीर कुछ अलग नजर नहीं आती। कौमी बच्चों में पढ़ने लिखने का रुझान वैसे भी कम नजर आ रहा है। मुस्लिम बच्चों के साथ वालिदैन का भी रवैया स्कूलों को लेकर ठीक ना होने की बात कही जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम तलबाओं में पढ़ाई और अखलाकी गिरावट भी महसूस की जाए। अगर कुछ तलबा ISIPS या NEET में अच्छे नंबर हासिल कर रहे तो काफी तरक्की हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाखों तलबाओं में एकाध मिसाल को पेश कर पूरे माशरे को इस पस मंजर में देखना भी गलत होगा। यहाँ पर भी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का मुकाबला देखा जाता है। सरकारी स्कूलों में यहाँ भी संजीदगी नहीं पाई जाती, कुछ एक बुजुर्ग असातिज़ाओं में उर्दू को लेकर जज्बा पाया जाता है, लेकिन दिन ब दिन इसमें भी गिरावट देखी जा रही है। खास तौर पर कोरोना दौर में मुस्लिम बच्चों में वीडियो गेम्स की लत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। अब तो छोटे बच्चे जो महज 2-3 साल के होते हैं लेकिन मोबाइल के अक्सर एप्लीकेशंस पर बराबर उंगलियां फेरते रहते हैं। मोबाइल का जिंदगी के अक्सर हिस्से में दखल आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा कई सेहत माहिरीन का कहना है। कुछ स्कूली लड़कों ने मोबाइल छीन लेने से खुदकुशी तक का इकदाम किया है, ऐसी भी मिसालें देखी जाती है कि मोबाइल को छीनने से कत्ल जैसे संगीन जुर्म को भी अंजाम दिया गया।
कुल मिलाकर इस दौर में पढ़ाई की दिलचस्पी से दूर होते देखा जा रहा है। एक बार फिर स्कूल में उस्ताद के साथ मजाकिया वीडियो बनाकर वायरल करने पर तबसरे तो हो रहे हैं, लेकिन आखिर इन मामलों को कैसे रोका जा सकता है? क्या तरबियत करने में कमी रह रही है? आखिर इतनी अखलाक की गिरावट उन तलबाओं में क्यों जिनको इस माशरे का मुल्क का मुस्तकबिल कहा जाता है? लेकिन इतना जरूर है कि कम उम्र में जहां रोशन मुस्तकबिल को संवारने के ख्वाब देखने चाहिए थे, वहीं स्कूली तलबाओं में तमाम बुराइयां, नशा, हुरियानियत का कहर आने वाली नस्ल को माजूर बना देगा, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे। इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। आज कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग की गई। अब दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। आज साफियों के सामने अपनी बात रखते हुए लक्ष्मी हेब्बड़कर ने कहा कि वोटों की गिनती के पहले दौर में ही कांग्रेस उम्मीदवार चन्नराज हट्टीओली जीत सकते हैं। उधर भाजपा ने भी जीत का दावा किया है और जीत का दावा करते हुए अन्ना साहब जोड़े ने कहा कि महंतेश कवड़गी मठ की जीत यकीनी है। कांग्रेस का ही सतीश जारकवाड़ी ने भी कहा कि महंतेश कवड़गी मठ या फिर लक्कन जारकवाड़ी में थे, कोई एक जीत दर्ज कर सकता है, वही कांग्रेस उम्मीदवार चन्नराज हट्टीओली की जीत भी पक्की है, ऐसा कहा। आज लखनऊ में बढ़कर सतीश जारकवाड़ी और राजू सेठ वोटिंग के बाद मौजूद थे और साफियों के सवालों को इन्होंने जवाब दिया। आज भारतीय कृषक समाज की जानिब से साफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि बरोज इतवार किसानों का बड़ा इजलास मुनक्कद किया जाएगा। बेलगाम में 12 दिसंबर को किसानों को बड़ी तादाद में जमा कर इजलास रखा जाएगा। हाल ही में मोदी सरकार ने 3 काले कानून को वापस लिए, लिहाजा रियासत भाजपा हुकूमत गोकशी कानून भी वापस ले। साथ में उन्होंने APMC कानून, जमीन तरमीम कानून, कड़सा भांडूरी प्रोजेक्ट को जल्द तकमील तक पहुंचाने के साथ गन्ना किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा इस सेशन में किया जाएगा। वजीर आला से मुलाकात कर मसाइल को हल करने की मांग भी की जाएगी, ऐसा इस वक्त भारतीय कृषक समाज के रियासती सदर सिद्धगौड़ा मोदगी ने कहा। इस वक्त किसानों के दिगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कभी कभी इंसान को हालात भी क्या से क्या बना देते हैं। पांगुड़ गली अश्वत्थामा मंदिर से चांदी का ताज चोरी हुआ, पुलिस चोर की तलाश में लगी। महज 3 ही दिन में चोर को पकड़ा भी गया। पुलिस को भी चोर की कहानी सुनकर ताज्जुब लगा। चोर कोई और नहीं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट था। हालात ने इसे चोरी करने पर मजबूर कर दिया था। अंजनेय नगर का रविराज घर के हालात से परेशान था और जहनी तवाजन भी खो चुका था। अखराजात के लिए चोरी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो इसने मंदिर को ही निशाना बनाया। माशरे को सोचने की जरूरत है। महज इसे चोर की नजर से देखने से पहले अतराफ में कितने ऐसे लोग होंगे जो दूसरों की तरफ पढ़ लिख कर बड़ा तो बनना चाहते हैं, लेकिन गरीबों की जरूरतों की तरफ माशरे का एक अमीर तबका नजरअंदाज करता रहता है। लिहाजा जुर्म के रास्ते पर कुछ लोग चल पड़ते हैं तो माशरा भी इसके लिए जिम्मेदार है। मंदिर में हो रही चोरी के पीछे की कहानी यकीनन सबक ही कह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।